कुछ गंभीर भी सुनाया आपको, प्यार मोहब्बत का भी सुनाया, लेकिन आप ये मत समझें कि केवल श्रृंगार में इस तरह की बातें लिखी जाती हैं। हमारे कवि मित्र, उन्होंने हास्य रस के बड़े कवि, उन्होंने इश्क कर लिया तो मोहब्बत में डूबकर कुछ दूसरी तरह की पंक्तियां हुई। उन्होंने लिखा कि जिसने मेरा निकाह कराया परी के साथ, जिसने मेरा निकाह कराया परी के साथ, बीबी हुई फरार उसी मौलवी के साथ। और तालियां तो अपनी दो पंक्तियों पर आप बजाइएगा, शायर भी क्या इलाज ढूंढ कर लाएगा। बोला, जिसने मेरा निकाह कराया परी के साथ, बीबी हुई फरार उसी मौलवी के साथ, मैंने भी मारा दाव, मैंने भी मारा, जय हो तो अगली पंक्ति के बाद करेंगे आप, मैंने भी मारा दाव, मैंने भी मारा दाव, मौलवी भी हुआ चित, वो मेरी बी के साथ है, मैं उसकी बी के साथ। शायर भी अपने ढंग से इलाज ढूंढ कर लाता है। मैं एक ऐसे शायर की तरफ आपको लेकर चलना चाहता हूं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़े पॉपुलर शायर हैं। अनेक बार एक भी कोई भी चैनल ऐसा नहीं है, हास्यरस का कार्यक्रम होगा, सब टीवी हो, वाह वाह हो, NDTV हो, स्टार टीवी हो, लेकिन हमारा एक स्टार जरूर नजर आता है जिसका नाम है पॉपुलर मेरठी। पॉपुलर भाई आज हमारे बीच हैं। हवा तेज चल रही थी तो मैंने पॉपुलर भाई से पूछा, किधर निकलना चाहते हो? बोले, हवा जिधर निकलेगी उधर ही निकल लूंगा मैं तो। हर बात के अद्भुत जवाब देते हैं। तालियां एक बार जरा जोरदार हो जाए पॉपुलर जी के लिए। आपको सीधा कविता से जोड़ते हुए चार चार पंक्ति आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। मैं हूं जिस हाल में, ऐ मेरे तनम रहने दे। मैं हूं जिस हाल में, ऐ मेरे तनम रहने दे, चाकू मध्य मेरे हाथों में कलम रहने दे। मैं तो शायर हूं, मेरा दिल है बहुत ही नाजुक, मैं पटाखे ही से मर जाऊंगा, बम रहने दे। मैं हूं जिस हाल में, ऐ मेरे तनम रहने दे, चाकू मध्य मेरे हाथों में कलम रहने दे। और मैं तो शायर हूं, मेरा दिल है बहुत ही नाजुक, मैं पटाखे ही से मर जाऊंगा, बम रहने दे। और देखे चार पंक्तियां के, याद आने लगे चचा गालिब, याद आने लगे चचा गालिब, या इलाही ये माजरा क्या है, तारता हूं हर एक लड़की को, वरना आंखों का फायदा क्या है। याद आने लगे चचा गालिब, या इलाही ये माजरा क्या है, तारता हूं हर एक लड़की को, वरना आंखों का फायदा क्या है। और ये चार पंक्तियां भी देखें कि जुबैदा, करिश्मा, करीना, नसीमा, अगर कोई हो तो मुझे माफ कर दें। जुबैदा, करिश्मा, करीना, नसीमा, चलो आज सबको दिखा दूं सनीमा। मेरी उम्र क्या है ये क्यों पूछती हो, कहीं इसका जोश होता है धीमा। मेरी उम्र क्या है ये क्यों पूछती हो, कहीं इसका जोश होता है धीमा। और ये चार पंक्तियां देखें कि चंदू, जौना, आरिफ और करतार पागल हो गए, प्यार से जब उसने देखा चार पागल हो गए, मैं भी उसके इश्क में पागल अभी होने को था, मुझसे पहले मेरे बरखुरदार पागल हो गए। कि चंदू, जौदव, आरिफ और करतार पागल हो गए, प्यार से जब उसने देखा चार पागल हो गए, मैं भी उसके इश्क में पागल अभी होने को था, मुझसे पहले मेरे बरखुरदार पागल हो गए। और ये चार पंक्तियां और देखें विष्णु भाई, कि आशिकी भी दोस्तों क्या शास्त्रीय संगीत थी, राग तोड़ी जाने क्या था, जाने क्या गाते रहे। आशिकी भी दोस्तों क्या शास्त्रीय संगीत थी, राग तोड़ी जाने क्या था, जाने क्या गाते रहे, जिंदगी भर इश्क का इजहार करने के लिए वो भी हकलाते रहे और हम भी हकलाते रहे। टाइम दे था ना तो आशिकों को क्या क्या परेशानियां हुई, तो आप इन मुक्तकों में देखें कि आशिकी भी दोस्तों क्या शास्त्रीय संगीत थी, राग तोड़ी जाने क्या था, जाने क्या गाते रहे, जिंदगी भर इश्क का इजहार करने के लिए वो भी हकलाते रहे और हम भी हकलाते रहे। और देखें कि मैंने कहा कि आप में और मुझ में फर्क है,
मैंने कहा कि आप में और मुझ में फर्क है, वो बोली दो दिनों की तमन्ना तो एक है। मैंने कहा कि आप में और मुझ में फर्क है, वो बोली दो दिनों की तमन्ना तो एक है। लूटो हो तुम मुशायरे, हम लूटते हैं दिल, अंदाज मुख्तलिफ सही पेशा तो एक है। अंदाज मुख्तलिफ सही पेशा तो एक है। और देखें कि कर गई घर मेरा खाली मेरे सो जाने के बाद, कर गई घर मेरा खाली मेरे सो जाने के बाद, मुझको धड़का था कि कुछ होगा तेरे आने के बाद, मुझको धड़का था कि कुछ होगा तेरे आने के बाद। मैंने दोनों बार थाने में लिखाई थी रबट, एक तेरे आने से पहले एक तेरे जाने के बाद। मैंने दोनों बार थाने में लिखाई थी रबट, एक तेरे आने से पहले तेरे जाने के बाद। और देखें कि 6 महीने ही में ये हाल किया बीवी ने, साल भर बाद तो शायद कभी ख्वाबों में।